शुभम ने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अमर उजाला .com में। मैं गौरी त्रिवेदी। अब आप देख पा रहे होंगे कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी के मेधावी दोनों और स्कूटी के साथ खड़े हुए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई स्कूटी के साथ में दोनों मेधावी, राज क्या है? अभी एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि कुछ घंटे पहले ये दोनों लखपति भी बन चुके हैं, लैपटॉप भी मिला है। तो आइए दोनों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं दोनों। प्राची, अभी कुछ मिनटों कुछ घंटे पहले आपको 1,00,000 रुपए मिले, टैबलेट मिला सीएम की ओर से, फिर इसके बाद अमर उजाला मेधावी सम्मान में आपको ये स्कूटर मिला, क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? मैम बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट रैंक आई थी तो मुझे स्कूटी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सम्मानित किया गया। चला लेती है स्कूटी? नहीं। तो अभी क्या सीखेंगी? जी। कितने दिन में सीख लेंगी? मैम जितने दिन में सीख पाएंगे। जितने दिन में भी? हाँ। नहीं, आप टॉपर हो तो बहुत ज़्यादा लगे, 5 से 6 दिन आपको लगेंगे सीखने में। हाँ देखते हैं। नहीं तो ये ऐसा कुछ लग रहा था कि अमर उजाला के मेधावी सम्मान में कुछ स्कूटर जैसा भी मिलने वाला है? नहीं, मुझे सोचा नहीं था। सोचा नहीं था जब ऐसे अचानक से, तो क्या दिल में हलचल हुई? अच्छा लगा था क्योंकि मेरे पास स्कूटी नहीं थी। स्कूटी नहीं थी? नहीं। अब स्कूटी से जाया करेंगी? हाँ, स्कूटी से जाया करेंगी ना कॉलेज। अच्छा, ये हमारे साथ में शुभम भी है। शुभम, अमर उजाला के मेधावी सम्मान में आपने सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, सोचा नहीं था, जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिल गया है, मैं बहुत ही खुशी है। और सीएम की ओर से आपको कुछ राशि भी मिली है? यस मैम, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए का पुरस्कार मिला है और टेबलेट मिली है। अच्छा, जो दर्शक हमारे नहीं जानते हैं आपके बारे में उनको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम शुभम वर्मा है, मैं सीतानगर का छात्र हूँ। मैंने यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसे हमारे जो गुरुजन हैं उनके सहयोग से हम अपने मुकाम तक पहुँचे हैं, इसमें हमारे कॉलेज का बहुत सहयोग रहा है। अच्छा शुभम, सबसे इतर आप ये बताइए कि उन 1,00,000 रुपए जो आपको मिले हैं कुछ घंटे पहले, उनका क्या करेंगे आप? मैम, उसको हम अपने आगे पढ़ाई में लगाएंगे, जिससे हम जो हमारा लक्ष्य है उस तक हम पहुँचने में सफल हो सकेंगे। मम्मी पापा का क्या कहना है कि वो दखलंदाजी है उनके कुछ की? नहीं नहीं, इसका ये करना है। नो मैम, जो हम कहेंगे वही हम करते हैं। वही करते हैं। यस मैम। क्या लाइफ के आगे क्या ड्रीम बना के रखें, क्योंकि आज का जो ये आयोजन रहा है उससे तो मुझे लगता है आपका जो उत्साह है वो 4 गुना और बढ़ गया होगा। यस मैम, हमारा लक्ष्य पहले से था IAS ऑफिसर बन के देश की सेवा करना, जो है वो रहेगा। हाँ, तो ये नोट हो गया है अभी शुभम के लिए। चलिए, अच्छा प्राची से पूछते हैं कि प्राची वो उन धनराशि उन रुपयों का क्या करने वाली है? प्राची, आप बताओ दर्शकों को कि क्या करने वाली है। मैम, अभी तक तो सोचा नहीं है कि मैं क्या करूँगी, आगे जो भी मुझे लगेगा कि हाँ इसमें यूज़ कर लेना चाहिए उसमें मैं समय के अनुसार कर लूँगी। अमर उजाला के इस समारोह के लिए दो शब्द कहेंगी तो क्या कहना चाहेंगी? अमर उजाला .com का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर सम्मानित होने का अवसर प्रदान किया, और ऐसे ही वो लगातार मेधावियों को सम्मान देता रहे। अब प्राची की मम्मी भी हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है स्कूटी आपकी बिटिया को मिली? मैम, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जो स्कूटी मिली है और सम्मान भी मिला है। अब बिटिया चलाएगी और आप बैठेंगी पीछे स्कूटी पर? जी मैम। अच्छा, आज के आयोजन में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, जैसी उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छा। हाँ, उससे ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए, शुभम प्राची के यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं और काफ़ी खुश हैं, और इनके तो उत्साह जो आगे भविष्य के लिए जो इनके मन में 4 गुना जो उत्साह बढ़ा है इस आयोजन से, उसके कुछ भी झलकियाँ आपको देखने को मिली हैं। आप जुड़े रहे अमर उजाला .com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।